NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को. NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना. नमस्कार, आप देखें सिटी पोस्ट, मैं हूं नेहा. जैसे जैसे गर्मी तेज हो रही, वैसे वैसे बिहार के राजनीतिक गलियारे में गतिविधियां भी तेज होते जा रही हैं. अब बिहार में चाहे वो बीजेपी JDU के बीच हो या महागठबंधन JDU BJP के बीच हो, हर तरफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में राजनीतिक गलियारे से तेजस्वी यादव का गायब होना बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है. आज ईद के मौके पे लेकिन तेजस्वी यादव के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट आया है कि ईद जो है मिलजुल के पर्व मनाने वाला पर्व है, खुशियों का त्यौहार है, सब इसे मनाएं. लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि चांदी के चम्मच से खाने वाले बच्चे पार्ट टाइम राजनीति करेंगे, लेकिन अब ये ज़माना नहीं है, अब फुल टाइम राजनीति करने का ज़माना है. अब टाइम है अमित शाह और मोदी जैसे फुल टाइमर राजनीति में रहने वालों का. तो ये निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव पे तंज कसा है ट्वीट के माध्यम से. आपको बता दें, 23 मई को रिजल्ट आने के बाद से ही तेजस्वी यादव जो है बिहार में नहीं है. कहाँ है किसी को नहीं पता है, शायद उनके परिवार को पता है. ये कई बार ये कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव हो सकता है दिल्ली में हो, या ये कहे कि वो शायद विदेश में है. तो लोगों में ये लगातार जिज्ञासा बनी हुई है कि तेजस्वी यादव कहाँ है. उसमें भी इस वक्त जब बीजेपी JDU के बीच तलवारें खींची हुई है, या फिर महागठबंधन लगातार JDU को ऑफर दे रही है फिर से मिलने की, तो इस वक्त आके जब तेजस्वी यादव को मौजूद होना चाहिए था बिहार में, उस वक्त कहाँ है तेजस्वी यादव. खैर, ये हम भी इंतजार करेंगे कि वह हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए तेजस्वी यादव कहाँ है. खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट.